ऑल राइट गैस, तो टाइम आ चुका है अब हमारे पास यहाँ पर अपनी नई एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। गैस अगर आप लोगों ने अभी तक ये सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सी प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ कि यहाँ पर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा जो कि मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी और उसका नाम था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सी प्रोग्राम। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आप लोगों के कमेंट्स को सॉर्ट कर लूँगा न्यूएस्ट फर्स्ट करके, देखता हूँ कि क्या किसी ने नीचे प्रोग्राम बनाया है कि नहीं। अगर किसी ने नहीं भी बनाया होगा, और यहाँ पर लगता है यूट्यूब ने एक नया फीचर लेकर आया है, ये देखो लव टॉप लव रेसिपिएंट ऑन दिस चैनल विच इज़ गुड स्किल एफ। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँगा कि सी प्रोग्रामिंग में आप लोग किस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले मैं थ्योरी कवर करना चाहूँगा। मैंने बोला था कि मान लो आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, एक है मेरे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स और एक है मेरे पास n क्रॉस p मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगी मेरी, ये दोनों डायमेंशनैलिटी कंपैटिबल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो पाएगी। मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है A और ये मेरी मैट्रिक्स है B, अब ये दोनों मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगी जब ये जो n है इसका, ये और ये सेम हो, यानी कि m क्रॉस ये, अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो ये 2 क्रॉस समथिंग होनी चाहिए, 2 क्रॉस 9 भी हो सकती है, 2 क्रॉस 10 भी हो सकती है, कुछ भी, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए तब ये डायमेंशनैलिटी कॉम्पैटिबल होंगी मैट्रिसेस। अब करूंगा क्या, यहाँ पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, उसका भी तरीका बताता हूँ। तो मान लो ये a 0 0 है और ये मेरा a 0 1 है और यहाँ पर मेरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें m रोज़ है और n कॉलम्स हैं, यहाँ पर 0 n आ जाएगा, उसी तरह यहाँ पर a m 0 आ जाएगा और ये a m n हो जाएगा। तो यहाँ पर ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब b जो है मेरी यहाँ पर b 0 0 से लेके b 0, यहाँ पर n था तो यहाँ पर p आएगा और ये b n p हो जाएगा और ये b n 0 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ, ये a 0 0 है और यहाँ पर क्योंकि n कॉलम्स हैं इसलिए लास्ट वाले कॉलम के पास 0 n माइनस 1 आएगा, इनफैक्ट नॉट n, क्योंकि n हमारे 0 से लेके n तक आएंगे कॉलम्स हमारे, तो 0 से लेके n माइनस 1 तक गिनती करनी पड़ेगी मुझे। सिमिलरली यहाँ भी p माइनस 1 या माइनस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो माई बैड, मैं 0 ये इसको माइनस 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी हो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स सी निकालूंगा तब मैं इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा ये a 0 0 b 0 0 प्लस, उसके बाद क्या होगा, प्लस a 0 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई वो किससे होगा, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा मेरा b 1 0 से और सो ऑन। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, इसका अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूँ, ये जो मेरी c मैट्रिक्स आने वाली है मल्टीप्लाई करके, तो जनरल फार्मूला कुछ इस तरह होगा, सी आई जे इज इक्वल टू, सी आई जे मेरा हो जाएगा क्या, ए आई 0 और b मेरा हो जाएगा 0 जे प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर, इसको सम मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है क्या कि इसको मुझे सम करना पड़ेगा कहाँ तक, अब मैं यहाँ पर आई वन कर दूंगा, बी वन जे कर दूंगा, सिमिलरली मैं इसको लेकर जाऊँगा पूरा कहाँ तक, मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा इसको ए आई एन माइनस वन बी एन माइनस वन जे, ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको लेकर जाऊँगा। अब आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी देख लेना, लेकिन अगर आप लोग को मैट्रिसेस के बारे में पता है तो अब तक मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सी आई जे कोई भी निकालना है तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो गिनती है कहाँ तक जा रही है, ये पूरी 0 से लेके n माइनस 1 तक ये लूप जा रहा है और ये आई और जे तो है ही, तो इसको मैं सिग्मा करके लिख सकता हूँ, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए आई के बी के जे वेयर k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई तो मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को थोड़ा फोकस करना है, देखना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल था क्वेश्चन, बट अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप लोग को प्रोग्राम तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर जो जनरल फार्मूला होगा हमारे इस मैट्रिक्स की एलिमेंट का वो ये होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मैट्रिक्स नहीं मालूम तो इस वीडियो को वापस से देखें, आप लोग समझ में आएगा, मैंने सब कुछ ब्रेक डाउन किया, क्वेश्चन में मैंने समझाया था पूरा, और इतना मेरे हिसाब से समझाना काफ़ी होना चाहिए। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम लिख दूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, आप लोगों को लेकर जाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ऑल राइट गाइज, सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग को एक्सेस नहीं किया प्लेलिस्ट को तो आप लोग ज़रूर से एक्सेस
कर ले, मैं सिर्फ नंबर देखने के लिए एक बार और खोलूंगा प्लेलिस्ट को कि कौन सा नंबर है। आई गेस इट्स 61, तो यहाँ पर ट्यूटोरियल नंबर 61 है, बट अगेन मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, एंड येस दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 61। यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लिखूँगा ट्यूटोरियल और लिख दूंगा 61.c। अब मैं यहाँ पर अपनी यूज़र स्निपेट का इस्तेमाल करूँगा जो कि मैंने बना रखा है। यूज़र स्निपेट को यूज़ करने से होता ये है कि आप लोग आराम से सिर्फ यूज़र स्निपेट का नाम लिखकर पूरा का पूरा कोड प्राप्त कर सकते हैं। यही आसानी होती है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करने से। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स बना के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक अभी MN करके वेरिएबल्स बना लेता हूँ, और मुझे अगर और चाहिए होंगे वो भी मैं बना लूँगा। एक मैं सम को 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा, क्यों कर रहा हूँ ये बताऊँगा आप लोग को अभी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा int, और int लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा int a, और मैं यहाँ पर इसको 3x4 बनाऊँगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगा b, उसको मैं यहाँ पर बनाऊँगा 4x2, और मैं उसको 4x2 बना रहा हूँ। आप लोग कुछ भी चुन सकते हैं, बस ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डायमेंशनली कॉम्पैटिबल बनाने के लिए दो मैट्रिसेस को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक मैं रिज़ल्ट बनाऊँगा, रिज़ल्ट मेरा क्या हो जाएगा 3x2, तो रिज़ल्ट मेरा 3x2 मैट्रिक्स होगी। मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि Enter the number of rows in your first matrix. तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, number of rows को enter करना पड़ेगा matrix की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है enter your first matrix। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा int i is equal to 0, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा i is equal to 0 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा i is less than, मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना, कहाँ तक जाएगी मेरी, मुझे कितने एलिमेंट्स लेने हैं मुझे देखना पड़ेगा, 3 लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा i++। इसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा, और वो जो दूसरा फॉर लूप होगा वो बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा। तो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी वैल्यूज़ को डालूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, j ले लूँगा इसको, क्योंकि i मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को इनपुट करवा रहा हूँ यूज़र से, 3x4 था, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर मैं scanf, एक प्रिंट एफ लगाने के बाद scanf का इस्तेमाल करूँगा, एंटर दी परसेंटेज डी एलिमेंट फॉर योर ऑफ योर, अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको परसेंटेज डी एलिमेंट लिखना है, जहाँ पर परसेंटेज डी मेरा आई और जे हैं दोनों। तो यहाँ पर आएगा कुछ 00 लिखो, फिर 01 लिखो, इस तरह से आप लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, स्कैन एफ का इस्तेमाल करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कैन एफ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा परसेंटेज डी, और मैं लूँगा क्या, यहाँ पर एड्रेस में दे दूँगा, लिखूँगा M%, और यहाँ पर मैं लिखूँगा AIJ। उससे होगा क्या कि मैं AIJ एलिमेंट को ले लूँगा इनपुट। तो इतना देखते हैं कि प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको रन करूँगा, और रन करने के बाद आप लोग देखो ये मेरा कंपाइल होकर प्रोग्राम को रन करेगा। और जैसे ही मेरा प्रोग्राम को रन करेगा, देखो मांग रहा है मुझसे 00 एलिमेंट, मान लो मैंने 2 दिया, और इस तरह से मैं एलिमेंट्स देता जा रहा हूँ, और ये सिंपली मुझसे मांगता जा रहा है, और तब तक मांगता जाएगा जब तक मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को इनपुट नहीं कर दिया है। तो बढ़िया, तो यहाँ पर मैंने सिंपली किया क्या है, अपनी मैट्रिक्स को इनपुट में लिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, मैट्रिक्स को इनपुट लेने के बाद हम दूसरी वाली मैट्रिक्स को इनपुट लेंगे। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो फॉर लूप था इसको मैं वापस से कॉपी कर दूंगा, और इस बार 3x4 की जगह 4x2 करना है। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या, A की जगह B कर दूँगा, और यहाँ पर एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंटर दी और लिख दिया मैंने एंटर दी सेकेंड मैट्रिक्स, यहाँ पर एंटर दी फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर द सेकेंड मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। अब आता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला काम, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर लूप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं अब यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर लूप, उसमें मैं करूँगा क्या, उस फॉर लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा। सबसे पहले मैं उस फॉर लूप को चलाऊँगा जहाँ से भी मेरा जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कितने होंगे, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी होने वाली है रिजल्ट, वो 3x2 मैट्रिक्स है। तो आँख बंद करके क्या करना है, 3x2 का एक लूप लिख देना है,
आग बंद करके, आग बंद करके मत लिखना, बट अगेन ठीक है, 3x2, 3x2 रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिजल्ट, यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक और फॉर लूप चलेगा, और एक और फॉर लूप मैं क्यों चला रहा हूँ, मैं एक और फॉर लूप इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सिंपली करना क्या है, ऐड करना है मुझे अपना ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को दिखाया था वो मुझे यहाँ पर लागू कराना है। और मुझे फॉर लूप ये कहाँ तक चलाना है, 0 से लेके n-1 तक चलाना है। तो 0 से लेके n-1 तक मुझे क्या करना पड़ेगा चलाने के लिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा k इज़ लेस देन, और मेरा यहाँ पर क्या है n, मेरा n यहाँ पर 4 है, तो k इज़ लेस देन 4 करना पड़ेगा, 0 to 4-1 तक चलेगा, और k प्लस प्लस कर दूंगा। और ये करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेट मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सम प्लस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट का जो आई के था, जो भी मेरा फर्स्ट का आई के एलिमेंट था, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा उसको, जो मेरी सेकंड वाली मैट्रिक्स थी उसका क्या, उसका अभी ये फर्स्ट सेकंड जो है वेरिएबल के नाम नहीं है, मैं सिर्फ आपको लिखकर बता रहा हूँ के जे। अब हमारा फर्स्ट क्या था, हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थी ए, सेकंड मैट्रिक्स थी बी, सेमी कॉलन लगा दूंगा, सिंपल था। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर रिजल्ट जो था उसको दे देना है क्या, ये सम, लेकिन रिजल्ट के कौन से एलिमेंट को देना है सम, रिजल्ट के आई जे एलिमेंट को मुझे दे देना है, सिंपली सम की वैल्यू दे देनी है उसको, और उसके बाद सम को 0 कर देना है अगली आइट्रेशन के लिए, वरना उसी नंबर में जुड़ जाएगा बार बार, इसीलिए मुझे यहाँ पर सम इज इक्वल टू 0 कर देना है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ इसीलिए कि ताकि आपका ये क्वेश्चन मोटिवेशन डाउन ना कर दे सी सीखने के लिए। ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। तो अब मैंने किया क्या, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया रिजल्ट को, और रिजल्ट के अंदर मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर इसको रन करूँगा, और रन करके आप लोग को दिखाऊँगा। और 0 0 एलिमेंट है मेरा, और यहाँ पर 0 0 है, तो मैं यहाँ पर सिंपली कुछ कुछ डाल रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, और ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स डाल दी। अब मैं सेकेंड मैट्रिक्स कुछ कुछ डाले जा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कैलकुलेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर किया क्या नहीं है, मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं किया है। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट दी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, आप अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करें। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दो लूप मैं लूँगा और सिंपली प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने ये जो दो लूप लिए थे एग्जैक्टली मैं यहाँ पर वही लूप लूँगा, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेट द रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट द रिजल्ट, और मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा क्या, रिजल्ट आई जे। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट आई जे, एज सिंपल इज दैट। और प्रिंट एफ करके रिजल्ट आई जे मैंने किया, और जैसे ही मेरा यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि बैक स्लैश एन ना देखे मैं एक बैक स्लैश टी दूँ। अगर आप लोगों को याद हो, जो बैक स्लैश टी था हमारा, वो क्या करता था, टैब प्रिंट करता था एक। और एक बार मान लो जो पहली रो है वो प्रिंट हो गई, उसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक नया लाइन कैरेक्टर आए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली प्रिंट एफ बैक स्लैश एन। आप लोग समझ रहे होंगे ये मैंने क्या किया, तो सिंपली मैंने बैक स्लैश एन लगा दिया, और उससे होगा क्या, उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिंपली आप लोग इसको अच्छी तरह देख पाएंगे, मैट्रिक्स को दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं काम करूँगा 0 0 0 0 डालूंगा सारे में। अब आप लोग कहेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे रिजल्ट 0 मिले, और मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सही किया काम अपना। तो ये देखो मेरी मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, जब हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तब भी हम कुछ इसी तरह प्रिंटिंग कराते हैं, और उससे होगा क्या कि रीडेबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी सी। तो चलो यही करते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं इस तरह ना लिख कर एक काम करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट नहीं दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर सिंपली इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी, और ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद मैं काम करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट एफ बैक स्लैश एन डाल दूंगा। कहाँ पर डालूंगा प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, जैसे ही ये यहाँ पर कुछ इस तरह ये होगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट एफ डाल दूंगा क्या, बैक स्लैश टी डाल दूंगा। तो होपफुली ये काम करेगा। मैं इसको कंट्रोल सी यहाँ से करता हूँ, जब मैं अपनी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स ले रहा था तब भी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से लेके मैंने कहाँ तक कॉपी किया है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, आई थिंक वी आर गुड।
बस मैंने यहाँ पर बी की जगह ई कर देना है और इसको कमेंट आउट कर देना है। और अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल सही से चल रहा है कि नहीं। तो मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर 7 लिया, फिर 8 लिया। ये गड़बड़ हो गई है, मैं बताता हूँ क्यों हुई है गड़बड़। प्रोग्राम बिल्कुल सही से चलेगा हमारा, वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, लेकिन ये गड़बड़ क्यों हुई है मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि बैक स्लैश टी हटा दूंगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये बैक स्लैश एन जो है ये भी मैं काम करता हूँ हटा देता हूँ। उससे सिंपली होगा क्या कि जब मैं बैक स्लैश एन को हटाऊँगा तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने हिसाब से इनपुट करूँगा। देखो मैं क्या करूँगा अभी, 3x4 थी मेरी मैट्रिक्स ये, मैं इसको रन करूँगा और आप लोग देखो तीन मुझे क्या देनी है, 3 रोज़ देनी है, 4 कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 6 7 0, और मैं एंटर करूँगा। तो मैंने पहली मैट्रिक्स अपनी एंटर कर दी है और अब मैं दूसरी मैट्रिक्स को एंटर कर रहा हूँ। उसमें कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो मैं कुछ इस तरह करूँगा, 1 1, फिर मान लो मैं करता हूँ 3 4, फिर मैं मान लो करता हूँ 3 5, फिर मैं करता हूँ मान लो 3 7, और ये मेरा मल्टीप्लीकेशन होके आ गया है। अगर मैं चेक करवाऊँ आपको तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर इसको मैं चेक करूँ अभी, मैं सिंपली करूँगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आपको चेक करके दिखाऊँगा। तो ये हो जाएगा 1 मेरे पास, फिर मैं प्लस करूँगा इसमें क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 6 होता है, फिर क्या प्लस करूँगा इसमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 होता है, फिर क्या करूँगा प्लस मैं यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 8 होता है। अब अगर इसको हम जोड़ें तो ये 18+6 बनता है जो कि 24 होता है, और ये देखो यहाँ 24 आ गया है। तो हमने इजीली यहाँ पर आराम से अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिख दिया है। आशा करता हूँ सब लोग को समझ में आ गया होगा, जिसको भी समझ में नहीं आया उनको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल तो था ये प्रोग्राम, तो आप लोग इसको देख कर आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझें। और जितने लोगों ने भी यहाँ पर दिखा है अपना कमेंट, मैं उन लोगों को शाउट आउट देता हूँ। तो गेमर साहिल, इनक्रेडिबल बी, स्किल एफ, और उसके बाद सौरभ राय, गरिमा त्यागी, फिर उसके बाद स्काई नेटवर्क, फिर रहमत अली खान, आयुष के, टेक मेट्रिक्स, फिर रोहन दास और ऋतु रावत, अक्षय गुप्ता और नीलम श्रीवास्तवा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सॉल्व करें इसको, और ये जो प्लेलिस्ट है सी प्रोग्रामिंग की उसको एक्सेस कर लें। काफ़ी आगे तक हम लोगों ने चीज़ें कवर कर ली हैं। इस वीडियो को गाइज लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे आने वाले कोर्सेज। सो गाइज़ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।